मित्रों एक बार फिर स्वागत है आपका। एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग पर चल रही है और आज हम इनसे संबंधित कुछ एक जो प्रोसीजर्स हैं, प्रक्रिया है, उसके ऊपर शहर की जानी मानी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना जी तापड़िया से बात कर रहे हैं। मैम, अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसा सुन रहे हैं कि हार्ट डिजीज का प्रमाण काफ़ी बढ़ा है और ये यंग लोगों में और छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा दिखता है, तो बतौर एक्सपर्ट आप इसका कारण क्या मानती हैं? ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, एक कारण अपन निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि भाई किस चीज़ से हार्ट अटैक हो रहा है, पर अपने हमारे प्रैक्टिस में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा ये जो लोग बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं, उनमें ये इंसिडेंस ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ है जिनमें डायबिटीज़ है, शक्कर की बीमारी है। तीसरी जिनमें आदतें हैं जैसे स्मोकिंग, तंबाकू लेना, इन लोगों में ज़्यादा होती है। चौथी चीज़ जो ओवरवेट है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे हार्ट अटैक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिनमें अनुवांशिक है कि भाई दोनों माँ बाप दोनों को डायबिटीज़ है या हार्ट की बीमारी है, तो ये लोगों ने और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जैसे अपन ने देखा है डराना नहीं चाहते, पर प्रिकॉशन के बतौर कि 90% लोगों में ये आने ही वाला है और 10 साल पहले आएगा। तो ऐसे कुछ टेस्ट भी है जो अपन कर सकते हैं जिससे अपन प्रिवेंट कर सके भाई नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये आप ज़रूर करवाइए। थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे आप? जैसे अभी डायबिटीज़ है, अगर माँ बाप दोनों डायबिटिक है, तो अपन बहुत बार सुनते हैं भाई अपन हिस्ट्री लेंगे तो कि सब नाना के साइड में डायबिटिक है, ये है, तो ये कैसा है? ये फैमिली में चल रहा है। कल को आपका अगर वज़न 40 किलो भी रहा तो भी डायबिटीज़ आने ही वाला है अनफॉर्चुनेटली। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ एक ब्लड टेस्ट होती है जो इसको अपन होमोसिस्टीन लेवल बोलते हैं, वो करते हैं। अगर ज़्यादा हुई तो उसके लिए अपन कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो 40% चांस है कि शायद नेक्स्ट जनरेशन में ना आए डायबिटीज़, ऐसा। और दूसरा प्रिकॉशंस की पहली आप शुगर कम कर लीजिए, रेगुलर चेकअप करवाइए, तो आप जितना उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं वो अच्छी बात है। तो दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर अर्चना जी हमसे शेयर कर रही हैं कि अगर परिवार में डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज जैसी कोई बीमारी चल रही है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगली पीढ़ी में ये बीमारी आना है। और जब ऐसा है तो ऐसे संभावित लोगों ने कम उम्र से इसका चेकअप कराना शुरू कर देना चाहिए और जहाँ इसके थोड़े भी चिन्ह दिखें तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी सलाह को उन्होंने तुरंत और पूरे रूप से फॉलो करना ज़रूरी है, ताकि ये आगे जाकर बड़ा रूप न ले और दूसरी चीज़ ये अपनी बीमारी अगली पीढ़ी को ना दें। मैम, जब इस तरह की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो जिन रिस्क फैक्टर्स की आपने चर्चा की है, जिस अनुवांशिकता की या पारिवारिक जो संदर्भ आपने दिया है, तो इन बैकग्राउंड को देखते हुए आपकी ऐसे हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को आपकी क्या सलाह होगी? पेशेंट को तो यह सलाह होगी कि आप रेगुलरली मेडिसिंस ले और बाकी जितने प्रिकॉशंस हैं वो पूरा फॉलो करें। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि लोग पहले पहले बहुत एंथुजियाज्म से सूप पीते हैं, जूस पीते हैं, और 6 महीने के बाद सब बंद हो जाता है, लौकी करेला सब बंद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका लॉन्ग टर्म में आप फॉलो करें, क्योंकि जैसा हमको भी हमारे कोर्स में पढ़ाया जाता था कि हार्ट का कोई भी रामबाण इलाज है ही नहीं, ये दोबारा होगा अगर आप उसको छूट दे तो। और रिलेटिव से एक ही सलाह है कि जो आपका पेशेंट है, घर का सदस्य है, वो ऑलरेडी शारीरिक रूप से पेशेंट है, मानसिक रूप से उसे पेशेंट ना बनाएं। मतलब ज़बरदस्ती ये काम मत करो, वो काम मत करो, क्योंकि एंजियोप्लास्टी के बाद देखेंगे तो अधिकतर 1 हफ्ते की रेस्ट इनफ होती है, उसके बाद आप अपने रूटीन काम में लग जाइए। बाईपास के बाद 4 हफ्ते रेस्ट ज़रूरी होती है, क्योंकि अपन जैसे कोई रूटीन फ्रैक्चर होता है वो हड्डी कट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उतना रेस्ट ज़रूरी होता है, पर उसके बाद उसको आप उसका यूजुअल काम है जो करने दो। ऐसा नहीं कि दुकान बंद करके घर पे बैठ गए, बहुत टीचर्स आते हैं जो अपने लेक्चर्स ही नहीं ले रहे हैं, घर पे बैठ जाते हैं, ऐसा मत करो, क्योंकि इससे और स्ट्रेस बढ़ेगा। दिन भर आप सोचोगे कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा, और टेंशन ज़्यादा होगा। तो आप अपने रूटीन में आ जाइए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज डॉक्टर अर्चना जी सभी रिश्तेदारों को और सभी को दे रही हैं कि जब घर में कोई इस तरह का मरीज़ हो
तो आसपास का वातावरण सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो, मानसिक रूप से इमोशनल रूप से उस मरीज को और मरीज ना बनाए। दुर्भाग्य से कहा जाता है कि हमारे देश में हर व्यक्ति अपने आप में एक डॉक्टर है, उसके पास में अपने तजुर्बे हैं, अपने अनुभव हैं और इनको वो दूसरों पर लादने की कोशिश करता है जो कई बार गलत भी सिद्ध हो सकते हैं। मैं इससे मिलते जुलते एक प्रश्न है कि अभी जिस तरह से व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया में हार्ट डिजीज़, एंजियोप्लास्टी इसको लेकर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि इस तरह का अगर काढ़ा लिया या इस तरह की देसी दवाई का उपयोग किया तो शायद इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, एक। दूसरा, जिस तरह से बहुत सारा योग का प्रचार प्रसार हो रहा है तो कई लोग इस तरह के दावे करते हैं कि इस तरह के अगर हमने नियमित एक्सरसाइज या योगा किए तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक विशेषज्ञ के नाते इन लोगों का आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह है कि एक्सरसाइज तो वैसे भी अपने को रेगुलरली करना ही है, मतलब उसके लिए दवा छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ने आज चावल खाना शुरू किया तो कल दाल ही छोड़ दें, वैसा नहीं है। आप अपनी मेडिसिन शुरू रखिए, योगा तो बहुत अच्छा ही है, करना ही चाहिए। और उसका एक मेन एडवांटेज ये रहता है कि बहुत सारी जो छोटी छोटी नसें रहती है हार्ट में वो बंद होती है, तो एक्सरसाइज द्वारा रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वॉकिंग करेंगे जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए इम्पोर्टेंस देते हैं, तो रेगुलर वॉकिंग करेंगे तो ये जो सब नसें जो है बंद है वो खुलती है। तो ऑब्वियसली जैसा लोग ऐसा समझते हैं कि भाई योगा किया तो मेरे को पेन ही नहीं हो रहा, डेफिनेटली एकदम सही बोला आपने, पेन नहीं होगा क्योंकि आपकी बाकी नसें खुल रही है, वो बहुत ही अच्छी बात है। पर हाँ, इसके साथ आप अपना मेडिसिन भी शुरू रखिए ताकि ब्लॉक ना हो, क्योंकि 100% तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई उसी से आपका ठीक होने वाला, जबकि मेडिसिन लेंगे तो एटलीस्ट 95% गारंटी है कि हाँ ये ब्लॉक दोबारा नहीं बनेगा। तो एक तरह से योगा या जो बाकी के एक्सरसाइज हैं उसको पूरा क्या सप्लीमेंट्री है, उसको वो अल्टरनेटिव या पर्याय तौर पर नहीं। तो जहाँ अगर हमारे एक्सपर्ट हमसे सलाह दे रहे हैं कि यहाँ पर एंजियोप्लास्टी के या बाईपास की ज़रूरत है तो वहाँ उसको हम लोगों ने फॉलो करना ही चाहिए। बिल्कुल मैम, हम अपने चर्चा के अंतिम मोड़ पर है और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हम हमारे एक्सपर्ट का हमारे दर्शकों सामने प्रस्तुत करते हैं जो बहुत बार उनके लिए प्रेरणादायक भी सिद्ध होता है। आप जिस तरह समाज में लड़कियों के प्रति एक दृष्टिकोण है कि लड़कों को प्राधान्य दिया जाता है, लड़कियों को नहीं चाहते हुए भी हम लोग कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर उनको दुय्यम दर्जे पर रखते हैं, और जिस तरह की मैंने परिचय बताया हूँ कि आपने DM जैसी हाईएस्ट डिग्री अचीव की है, तो मेरा सीधा प्रश्न है कि इस पूरे एजुकेशन के दरमियान कौन लोग और कौन से फैक्टर्स आपको सहायक सिद्ध हुए और कौन सी बाधाओं का आपने उनका सामना किया है? मेरा प्रश्न इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, खास करके जो बेटियों के पिता है, तो ये उनके लिए एक प्रेरणादायक आदर्श सिद्ध होगा। हमारे घर में तो ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं है कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क किया जाता है। मतलब जितनी पढ़ाई करनी है वो एक व्यक्ति पे खुद पे निर्भर करता है, जो जितना पढ़ रहा है उसे पढ़ने दिया जाता है। मेरे नाना जी के ज़माने से देखा है कि जब उस ज़माने में लड़कियां प्राइमरी स्कूल के आगे करती भी नहीं थी, उस ज़माने में भी मेरी मम्मी डॉक्टर बनी है। तो मतलब तभी से घर पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और कैसा है, सोच ऐसी थी कि एक लड़का अगर पढ़ता है तो वह स्वयं आगे जाता है, पर अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा घर उसके साथ आगे जाता है। तो पढ़ाई के इसमें तो भाई हमको तो कभी कोई बाधा आई नहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बाद में हस्बैंड इन लॉ सभी ने, क्योंकि ऐसा कभी कोई तकलीफ हुआ ही नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एक अगर आप समझदार हो, आप अपनी जिम्मेदारियां समझते हो और आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं जाता। दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज डॉक्टर अर्चना जी हमारे सभी दर्शकों के लिए दे रहे हैं कि अगर आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य निर्धारित हो और आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया उसे पाने में दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती, बल्कि हर मोड़ पर, हर कदम पर आपको सहायता, हेल्पिंग हैंड मिलेगा। एक मैसेज मैं और देना चाहती, जो एक मैसेज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट करती हूँ, समझती हूँ और अपने सब पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि ज़िंदगी में आपका तनाव मैं भी नहीं कम कर सकती, शायद आप खुद भी ना कम कर सको, सर्कमस्टेंसेज ही कुछ ऐसे होते हैं, पर बोलना सीखिए।
अगर आप बोलोगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है तो कभी सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। लकीली इंडिया जैसे अपन कंट्री में रहते हैं, भारत है, जहाँ पे हर रिलेशनशिप बहुत नज़दीक का है, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, तो आप पूरी ज़िंदगी निकाल देते हो बिना कुछ बोले। एक सास को कुछ पसंद नहीं आएगा पर वो बोलेगी नहीं बहू को, बहू को नहीं आएगा पर वो बोलेगी नहीं सास को। रिश्ते से ऊपर उठो और एक बार बोल दो, बुरा लगेगा पर बाद में आपका तनाव डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि बोलना सीखिए तो ये बहुत बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो कुछ आपकी भावना आप शेयर कीजिए, बिल्कुल, तो चाहे गलत हो सही हो, तो एक जो मन की गांठ है वो खुल जाएगी और कहीं कुछ गलत फहमियाँ तो वो भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल दर्शकों, आज एक बहुत ही सार्थक और दिलचस्प चर्चा हार्ट डिजीज के ऊपर और उससे संबंधित प्रोसीजर्स पर शहर की जानी मानी हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर अर्चना जी तापड़िया के साथ संपन्न हुई। जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उभर के आए उस तरह से हैं कि जब किसी को हार्ट अटैक हो तो घर पर उन्होंने उस व्यक्ति को बैठाकर जोर जोर से सांस लेने के लिए, खांसने के लिए कहना चाहिए, जहां ज़रूरी हो जितनी जल्दी हो सके उसे अस्पताल में दाखिल कराएं, और अगर एक्सपर्ट की सलाह के उसको दवाखाने में भर्ती करना इस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो बिना किसी लापरवाही के उसे फॉलो करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर उपयुक्त प्रोसीजर्स, एंजियोग्राफी, उसके बाद में एंजियोप्लास्टी, या ज़रूरत पड़े तो बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये मैनेजमेंट यहीं पे समाप्त नहीं हुआ, इसके बाद की आगे की जो इंस्ट्रक्शंस है, आगे की जो सलाह है, उसे पूरी तरह से मानना, पालन करना ये पेशेंट और उसके परिवार के लिए फायदेमंद है। कार्यक्रम आपका अपना है, इस विषय में आपके विचार, आपके सुझाव, इसका हमेशा से इंतज़ार रहा है। ज़िंदगी खुशियों से भरी है, जिस ढंग से, जिस चश्मे से आप देखोगे ज़िंदगी वैसी दिखेगी। अपने आसपास की खुशियों को खुद अनुभव कीजिए और दूसरों में बांटिए। आपका आने वाला कल आज से अधिक सुखमय और मंगलमय हो, ये हमारी हमेशा से शुभकामना रही है। अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक हम आपसे इजाज़त देते हैं। डॉक्टर अर्चना जी स्टूडियो में आकर अपने हमारे दर्शकों का जो महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक तरीके से मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।